today we're going to talk about the innovative use of wood in our home. Anu, wood is very back in it, hai na? Yeah. Wood polish kitna khoobsurat lagta hai. It really looks so rich and elegant. And after having experimented with various materials and finishes, wood has made a re-entry back into our homes again. Aur iske baad hum aapko dikhayenge how foreigners who have settled in India have done up their homes. Kitni khoobsurati se unhone apne ghar sajaye hain. And how they have been able to blend their culture with ours. It's really worth a look. Aur phir hum aapko milwayenge famous rap model and TV personality Shefali Talwar se, who's gonna prove to us that she's a great cook too. Anu, tum koi bhi interior catalog utha ke dekho ya kisi bhi furniture shop mein ja ke dekho. You'll find that wood or original wood polish is what is in fashion. Kamiya, ye to hona hi tha. Hum jitni marzi experimentation kar le materials ya finishes ke saath, wood still remains the most basic and popular choice of people. When I was last in Goa, I saw such beautiful wooden interiors and furniture that have lasted a whole century. So let's take a look at the beauty of real wood. पिछले कुछ सालों में ऐसे वुडन फिनिशेस के साथ ऐसे अनेक मटेरियल्स आ गए हैं जो कॉस्ट इफेक्टिव हैं और जिन्हें हम अपने घर के इंटीरियर्स में बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ दिनों पहले हम पहुंचे मिस्टर एंड मिसेस अनिल और रश्मि त्यागी के घर में। इट वॉज अ रिच लग्जूरियस लुक ऑफ वुड विच ग्रीटेड अस। फ्लोरिंग एक्सेसरीज, फर्नीचर, सभी में वुड का इस्तेमाल किया गया है। There is a lot of looks as if I've used a lot of wood, but it is not much wood. More of it is laminate based thing which we have used, and we went in for this laminate because I was slightly conscious because the wood is not available as it is, and I have used different wood for my floors also, so that brings a lot of color, so I don't need much of furniture around. So with a good flooring and a nice wood look, it enhances the look of my house. Aur ye hai Rashmi aur Anil ka living room, जहाँ पर वो मेहमानों को एंटरटेन करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं या फिर रिलैक्स करते हैं। यहाँ फर्श के डिजाइन में काफी दिलचस्प एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। यहाँ पर अलग अलग वुड फिनिशेस को कंबाइन करके एक फिश पैटर्न क्रिएट किया गया है। है ना इंटरेस्टिंग? इट गिव्स द रूम अ कैजुअल फील। किचन में भी वुडन फ्लोरिंग है एंड रश्मि हैज चोजन अ फ्लोरिंग पैटर्न व्हिच कॉम्प्लीमेंट्स हर शीक एंड कलरफुल किचन, जबकि कैबिनेट्स में कलर्ड और रेगुलर वुड को कम्बाइन किया गया है। और ये है रश्मि और अनिल का गेस्ट रूम। फर्नीचर काफी हैवी वुड का है, इसलिए फर्श को इस तरह से बनाया गया है कि पूरे कमरे के सेटअप को ओवर पावर ना करे। डेकोर इज सिंपल येट डिस्टिंक्टिव। इस तरह के इंटीरियर शानदार तो लगते ही हैं, साथ में वुडन लैमिनेट्स और बीच वुड के दूसरे एडवांटेजेस भी हैं। दे आर इको फ्रेंडली, दे आर फंक्शनल, फर्नीचर को कंटेम्प्रेरी डिजाइन देना भी आसान है। और अब कुछ बातें सोर्सिंग की जाए। पेरगो, योंकर्स, अनेक तरह के ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं आजकल। ये है पेरगो का शोरूम, विच गिव्स अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ वुडन फ्लोरिंग। दीज आर वुड लैमिनेट्स, किसी भी तरह के वुड फिनिशेस आपको मिल सकती हैं। चेरी, ओक या बीच, फ्रॉम डीप ब्राउन टू चॉकलेट टू बेज टू व्हाइट, आप जिस तरह भी चाहें एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, फर्श पर, दीवार पर या फिर पिलर्स पर। Yonkers is another brand. ये solid wood है जो कि oak, silver, beech किसी भी finish में मिल सकती है और अलग अलग colors और patterns में भी, और उनका इस्तेमाल आप floor से लेके ceilings तक कहीं भी कर सकते हैं। Wood sure adds that richness and warmth to your home. इतना color देखने के बाद wood definitely is a nice break. And Kamiya, now we have something very interesting for our viewers today. It's the home of a foreigner living in India. इन्होंने अपने घर को इतना टेस्टफुली सजाया है, अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ द ईस्ट एंड द वेस्ट, एंड आई एम श्योर वी कैन इंबाइब सम ग्रेट आइडियाज फ्रॉम इट। लेट्स टेक अ लुक। आइए सबसे पहले देखते हैं दिल्ली में स्थित मशहूर उड़ीसी डांसर शारन लोयन का ये छोटा सा घर। शुरुआत करते हैं इस बरामदे से। सबसे ज्यादा दिलचस्प है सीलिंग का डेकोर, जिसे बैम्बू और चटाइयों से बनाया गया है। अलग अलग तरह की चीजें हैंग की गई है, कहीं पर टेराकोटा लैम्प शेड तो कहीं पिंजरे में बंद ये प्लास्टिक की चिड़ियां, जो हवा चलने पर काफी अट्रैक्टिव नजर आती हैं। ये सारी चीजें शारन ने राह चलते खरीदी और बहुत कम दामों में मिलती हैं। सीलिंग के अलावा बरामदे में दूसरे दिलचस्प एलिमेंट्स भी हैं। यहाँ का डोमिनेंट फीचर है ये कार्व वुडन पिलर। बीच में लो सीटिंग अरेंजमेंट है, अनेक आर्टिफैक्ट्स भी हैं।
डेकोर में किसी तरह की हार्मनी नहीं है, फिर भी काफी अच्छा लगता है और शारन लोयन के इंडियन एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट करता है। Being in India has been a process of osmosis, and so everything in my home reflects my life here. What I have made an effort is in my art, and becoming a part of the ethos of the art is something that I feel has taken me very deeply into truly a very Indian experience. What Nehru called becoming Indian is not just being born Indian, but something that you have to journey in your mind. I think that I have made that journey in my mind. So whether or not my home is Indian is a reflection really on my life, not an effort. I have eclectic tastes. I have all kinds of music, but there's a great deal of Indian music. I have puppets because I used to be a puppeteer. Some of them are Kathputli. I've got, of course, masks of Puruli and Sraikala Chow. But you'll also find a few Malaysian puppets and Indonesian things tucked away. The love that I have for crafts and folk art, as well as modern art traditions, I think is very much reflected in the house. You'll find the pine cones outside are something I collected in Elmora, but then because I grew up in Michigan, I grew up with pine cones. So everything is just a part of me, and it's actually difficult to say what's Indian and what isn't. It's just all a part of me. Sharon Loyan ki ye choti si baithak bhi kafi had tak unke Indian experience ko portray karti hai. Fabric mein red, black aur safed rang dominant hai. Khidki par lagi is fabric par kafi interesting floral patterns hain. सजावट में कहीं पर राग माला पेंटिंग है तो कहीं पर बस्तर के ट्राइबल आर्टिफैक्ट्स जिन्हें शारन ने बरसों से एक एक करके जमा किया है। और अब ये है एक दूसरा घर जो शारन के घर से काफी अलग है। इसमें रहते हैं सैंडी स्टॉकमन जो डिजाइनर हैं, पिछले बहुत सालों से हिंदुस्तान में रहते हैं। इस घर में जितने भी फैब्रिक्स आप देखेंगे इन्हीं के डिजाइन किए हुए हैं और कई फर्नीचर पीसेस भी मिस्टर स्टॉकमन ने खुद डिजाइन किए हैं। इनके अपने क्रिएशंस या फिर घर का डेकोर सब पर हिंदुस्तान के आर्ट और क्राफ्ट्स की खास छाप है। If you just look around in this particular room, I'm sitting under a Gujarati marriage canopy, which my friends say still hasn't helped me to get married, but it's something that I find quite wonderful. The angels and all the musical instruments that are above me. Of course, the red color is certainly something that's very Indian. I mean, when I first came to India, I was completely overwhelmed by the color, particularly the color that was worn by the people on the streets when I went to places like Rajasthan or to the Punjab, where in the early days of my visits here, the tempo wallahs were all covered head to foot in colors like chartreuse and bright purples and bright reds. And that excitement, I'm a person who relates very strongly to color. I may be wearing black, but I'm sitting in a red room, and the clothing and the home furnishings and all the other products that we do always are very seriously oriented toward bright colors. कमरे में अनेक एलिमेंट्स हैं जो मिस्टर स्टॉकमन के इंडियन एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। कहीं पर आंध्र प्रदेश के डांसर की एक प्रतिमा है तो कहीं पर मेटल के ये आर्टिफैक्ट्स, यहाँ फिर फर्नीचर पीसेस। मिस्टर स्टॉकमन के डिजाइन की हुई इस कुर्सी में इंडियन इमेजेस को देखिए, एनिमल्स, बर्ड्स, फ्लोरल डिजाइन, ब्राइट एंड वाइब्रेंट कलर्स, सभी कुछ। अभी तक तो अनु इंतजार करती थी, लेकिन मेरा ख्याल नाउ इवन आई एम वेटिंग। टुडे वी हैव विद अस शेफाली तलवार, शी इज अ रैंप मॉडल, अ टीवी एंकर एंड इज गोइंग टू कुक फॉर अस एज वेल। हाय शेफाली, वेलकम टू द शो। हाय कामिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ऑन योर शो। शेफाली टेल मी, रैंप मॉडलिंग, कुकिंग और टीवी,
What is interesting to you? You know, my name is Shefali and they call me Chef. So, zyadatar sab log mujhse poochte hain, Chef, what's cooking? But I tell you very honestly, of course, eating is a big passion with me. Is it? But I have to keep the others happy. Actually, I do enjoy all of them equally. मुझे सब कुछ करने में काफी मजा आता है तो चलिए क्या बनाकर दिखाएं वेल आई एम गोइंग टू मेक अ वेरी गुड लो कैलोरी हाई प्रोटीन पेपर चिकन फॉर यू ओह हाउ डज दैट साउंड सो कामिया लेट्स गेट कुकिंग एब्सोल्युटली कैन यू हेल्प मी लाइट द गैस सर्टेनली मैं आपको बता दूं ऑयल भी कितना चाहिए क्योंकि मैं क्लेम कर रही हूं कि ये बहुत लो कैलोरी है सो जब आपकी कढ़ाई हीट हो जाती है उसके बाद आप आसानी के साथ चाहे नॉन स्टिक बिना के हां चाहे नॉन स्टिक पैन हो चाहे दूसरी कढ़ाई हो आप उसके अंदर तीन इस साइज के टेबलस्पून के ये टेबलस्पून से थोड़ा छोटा है आप ऑयल डाल सकते हैं और अगर इफ यू आर रियली हेल्थ कॉन्शियस तो गुड आइडिया वुड बी कि आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें अब हमारा तेल भी काफी गर्म हो चुका है तो हम शुरुआत करेंगे पहले इसमें डालेंगे हम कटा हुआ प्याज Fine. आप एक किलो चिकन के लिए दो बड़े प्याज ले सकते हैं काफी है हाँ बहुत है ठीक है आप उनको अच्छी तरह से चॉप कर सकते हैं मेरे ख्याल थोड़ा और नजदीक से डालें क्योंकि तेल काफी गर्म हो गया है हाँ यू आर राइट यू हैव टू पुट द होल लॉट नो अंदाजे से अंदाजे क्योंकि मैं इतने चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ तो उसके मुताबिक इतना काफी है दिस इज अबाउट वन एंड हाफ ऑनियन जब ये गोल्डन ब्राउन या पिंक सा हो जाएगा तब उसके बाद हम इसके अंदर बाकी की चीजें डालेंगे अब इसके अंदर आप चाहें तो पिसा हुआ लहसुन भी डाल सकती हैं ये पिसा हुआ लहसुन है और अगर आप चाहते हैं जैसे कि आपके पास टाइम नहीं है तब ये पिसा हुआ काम आता है लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर ऑथेंटिक टेस्ट चाहिए असली फ्लेवर या असली जायका चाहिए तो दिस इज अ गुड आइडिया बिल्कुल सो अ लिटिल बिट ऑफ बोथ बिल्कुल और ये हार्ट पेशेंट्स के लिए फिर से अच्छा आप पूछेंगे कैसे कहा जाता है कि गार्लिक इज वेरी गुड फॉर कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर अब इसके अंदर हम पिसा हुआ जिंजर डालेंगे मगर जिंजर की मकदार थोड़ी कम रहेगी बिकॉज वी वॉन्ट गार्लिक का फ्लेवर ज्यादा हो अगेन द सेम थिंग पिसा हुआ भी और बारीक कटा हुआ भी आज कम करने की जरूरत है आई थिंक इट्स ओके थोड़ी सी कम कर देती हूं अच्छा ये हमारा भून गया है अब मैं इसके अंदर चिकन पीसेस डाल दूंगी एक और बहुत अच्छा आइडिया मैं आपको देती हूँ क्योंकि बहुत स्नैपी सा चिकन है इट विल बी अ गुड आइडिया कि आप इसके अंदर थोड़े इसको थोड़ा पोक कर दें मीट को सो दैट ऑल द मसाला मसाला सीप इन कर जाएगा इसके अंदर वैसे तो आप पोक के साथ कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे छुरी का इस्तेमाल कर रही हूँ दैट्स इजीियर एंड पोक्स बेटर या दैट्स राइट कामिया जब तक ये टेंडर हो रहा है मैं इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट स्वाद अनुसार वैसे सॉल्ट भी हम लोगों को काफी कम खाना चाहिए क्योंकि सॉल्ट भी फैट को डिपॉजिट करने में काफी मदद करता है और साथ ही साथ ब्लड प्रेशर के लिए भी अच्छा नहीं होता यू नो इफ इट्स नॉट इफ द सॉल्ट इज नॉट अकॉर्डिंग टू टेस्ट फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आता You can put very little red chili. Okay, this can be optional. This can be optional. Yeah. मिर्च चाहिए तो वो डाल दे ज़्यादा. बिल्कुल ओके अब कामिया मैं इसको कवर कर देती हूँ अच्छा एंड इसके अंदर पानी डालने की जरूरत नहीं है चिकन के अंदर अपने आप वाटर कंटेंट होता है जिससे वो टेंडर हो जाएगा कामिया ये फ्रेशली ग्राउंड पेपर है और क्योंकि हम इसको पेपर चिकन कहते हैं तो जाहिर सी बात है पेपर के बिना तो ये चिकन कंप्लीट ही नहीं है असल में आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि इसका अरोमा बहुत ही अच्छा हो आप इसको पहले साबुत पेपर को लेके तवा गरम करके भून सकते हैं और उसके बाद बेलन के साथ या किसी भी क्रश के साथ आप इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर सकते हैं दिस इज वन थिंग दैट यू आर नॉट गोइंग टू पुट पीसा हुआ भी और ये मैं कवर लाइक नहीं जैसे कि आपने लहसुन जो है पीसा हुआ भी डाला है साबुत भी टुकड़े टुकड़े काट समय के बचत के लिए जिस तरह से आप जो मसाले डालते हैं आई मीन यू नो खड़ा मसाला जो है उसका फ्लेवर फर्क होता है पीस के डालें तो वो फर्क होता है सो इट डज चेंज कामिया एक और चीज है इसके अंदर कोई भी गर्म मसाले का इस्तेमाल नहीं है राइट ज्यादातर हिंदुस्तानी खाने में गर्म मसाले का इस्तेमाल होता है दालचीनी इलायची लौंग वो कुछ नहीं है सिर्फ पेपर है जो हमने गर्म मसाले में से लिफ्ट करी है देखा आपने चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया कामिया और इसको हम भून लेते हैं अच्छे से जब ये और ज्यादा हाँ
क्योंकि ये पानी ये ड्राई तरह का चिकन है. अब इसके अंदर मैं थोड़ा फ्रेशली ग्राउंड पेपर भी डाल देती हूँ. Actually, Kamiya, I love pepper. Mm-hmm. I love garlic. I love pepper. And now I know what men will hate me. Well, that's what I said. Unless you have it kacha. I know. Right? Kamiya, iske andar hum chahe to, abhi se hi, thodi green chili bhi dal sakte hain. That really is optional, Kamiya. Kitni aap lena chahe. Achha, now should I tell you one thing? Please. Hmm? ये हरी मिर्च जो है अगर आपने इसका रंग जो है हरा रखना है then don't cover it. अच्छा, don't cover it? No. Oh. Because any vegetable or green chili or anything that's green, you want to keep it green, the okay. color. Cooked and green, don't cover it. This is the good home tip of the day. Yeah. Yeah. मैंने actually पता क्या किया था, हरी मिर्च प्याज और अदरक लहसुन भूनते वक्त नहीं डाली थी यही सोचकर कि इसका रंग हरा रहे. But ये आपने मेरे को बहुत अच्छी चीज बताई है. इसको कवर नहीं करना चाहिए. Those tips that we read out. हाँ हाँ. हमारा पहला टिप ये है, हमारा दूसरा ये है, हमारा तीसरा ये है. So I'm going to say अब मेरा टिप ये है. बिल्कुल कामयाब टिप ऑफ द डे. और उसके अलावा कामयाब आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं. मैंने आपका एक और टिप फॉलो किया था जिसके अंदर आपने दिखाया था कि सॉक्स को कितनी अच्छी तरह से सफेद किया जा सकता है सोडा डाल के पानी में. ओके, मैंने अपनी जिम की डर्टी सॉक्स को वैसे क्लीन किया था. प्लीज यस कामया, आई नो, नो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि मैं कितनी आर्डेंट फैन हूँ आपके इस शो की. कामया, इसके अंदर अब मैं ऐड कर रही हूँ कर्ड. यू कैन हैव गुड बीटन कर्ड एट होम. आप उसको अपना बीट कर सकते हैं, बट इतना भी बीट नहीं करिए कि वो लाइक पानी ज्यादा निकल आए. कर्ड ठीक है, इट शुड नॉट बिकम लस्सी. ऑलराइट. And I think another thing which is very nice about our Indian cooking is ki kafi cheezein jo hai andaaz se hi hoti hai. Bilkul sab kuch hi andaaz se hota hai. Kamiya, ek aur cheez karti hu. Aap kahenge kyunki isme haldi nahi dali hai, color kam hai. Main ab isko garnish karungi ek choti si floral dressing ke saath. All right, floral and all. My god, actually like your name says. Oh, मुझे really? मीठा खाने का बहुत शौक है. और इनफैक्ट आपके टेलीविजन के जो आपके इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हैं जब हम बाहर खाने के लिए जाते हैं. बोलते हैं शिफाली उस कोने से शुरू करना क्योंकि वहाँ पे डेजर्ट खड़े होते हैं. लोग सैलड की तरफ जाते हैं, मैं डेजर्ट की तरफ जाती हूँ. अच्छा, इसके अंदर अगर आप चाहते हैं सिर्फ इसको ऊपर से थोड़ी सी डाल सकते हैं. कई लोगों को अच्छी भी लगती है, ज़्यादा नहीं. ब्लैक पेपर हैज अ वेरी डिस्टिंक्ट फ्लेवर, वेरी डिस्टिंक्ट. कॉन्टिनेंटल फूड में ज्यादा इस्तेमाल होती है, चाइनीज में भी होती है. और हमारे हिंदुस्तान में तो गरम मसाले में ही इतनी डल जाती है कि कहीं और इस्तेमाल होने की गुंजाइश ही नहीं रहती. देयर वी आर. कामया, ये बिल्कुल हो गया है. ओके, इट्स वेल कुक. ओके, माय गॉड, यू श्योर हैव बीन कुकिंग एंड लर्निंग एंड All that, huh? Yes. Goodness. What have you? Fabulous. A little sour on the chicken. Fine. Yes. Pepper chicken बनाने के लिए आपको चाहिए oil 3 बड़े चम्मच, प्याज 2, पीसा हुआ लहसुन 2 छोटे चम्मच, कटा हुआ लहसुन 1 छोटा चम्मच, पीसा हुआ अदरक आधा छोटा चम्मच, कटा हुआ अदरक 1 छोटा चम्मच, चिकन 1 किलो, नमक स्वाद अनुसार, पीसी हुई लाल मिर्च आधा छोटा चम्मच, पीसी हुई काली मिर्च 2 छोटे चम्मच, कटी हुई हरी मिर्च 1 या 2, दही 4 बड़े चम्मच, साबुत काली मिर्च आधा छोटा चम्मच, टमाटर और हरी मिर्च गार्निशिंग के लिए. पहले तेल में प्याज को सौते करें, उसके बाद लहसुन और अदरक डालें और मसाले को थोड़ा भूनें. अब चिकन डालें, साथ में नमक और पीसी हुई लाल मिर्च भी. चिकन को थोड़ी देर पकने दें, इसके बाद पीसी हुई काली मिर्च डालें और साथ में कटी हुई हरी मिर्च भी. अब दही भी डालें और चिकन को थोड़ी देर पकने दें. अब अगर चाहे तो साबुत काली मिर्च भी डालें. बस थोड़ी देर और पकाएं, टमाटर और हरी मिर्च से गार्निश करें. पेपर चिकन इज रेडी टू सर्व. अनु, यू नो हमें इतनी सारी चिट्ठियां आई हैं जहां लोगों ने लिखा है दैट दे आर रियली एंजॉयिंग दिस पार्ट ऑफ द शो बिकॉज़ यू नो इट गिव्स देम सो मच इंफॉर्मेशन व्हिच इज रियली नाइस. दैट्स ट्रू. एंड थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग अस ऑल दीस इंटरेस्टिंग आइडियाज एंड टिप्स सो दैट वी कैन एक्चुअली शेयर दीस विद द रेस्ट ऑफ आवर व्यूअर्स. आज का हमारा पहला टिप हमें शारदा गिरधर सोमाया ने भेजा है मुंबई से. इनका कहना है कि अगर सोडा बाइकार्बोनेट की फ्रेशनेस का अंदाजा लगाना है उसे थोड़े सिरके में मिलाएं. झाग आने पे पता चल जाएगा कि वो फ्रेश है कि नहीं. और ये टिप हमें भेजा है कुसुम दलपत राय ने वसाई रोड महाराष्ट्र से. इनका कहना है कि दाल और चावल धोने पर
जो पानी बच जाता है उसे अगर हम छोटे छोटे पेड़ पौधों पर इस्तेमाल करें तो वो अच्छी खाद का काम करता है। और ये तीसरा टिप हमें मोनिका ने फिरोजपुर पंजाब से भेजा है। इनका कहना है कि दीवार में कील गाड़ने की जगह पर अगर सेलो टेप का एक छोटा टुकड़ा काट कर लगा दें और फिर कील ठोकें तो प्लास्टर पर दरार नहीं आएगा। काम्या, that was a brilliant tip. I must try that out sometime. और अगर आपके पास कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग आइडियाज हैं, टिप्स हैं, हमें जरूर लिखते रहिए। हमारा पता है द गुड होम शो, सेट इंडिया लिमिटेड, पीओ बैग नंबर 12101, आजाद नगर पोस्ट ऑफिस, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400053, इंडिया टीवीसी। कॉम्पिटिशन पोस्ट कार्ड पर ही लिखें। तो अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे विद लॉट्स ऑफ न्यू आइडियाज टू मेक योर होम अ ब्यूटीफुल होम। सो फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ द गुड होम शो, हैप्पी लिविंग।